आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो जो कि सेक्टर 88 में है और ये रिट्रीट प्रोजेक्ट का नाम है और ये पूरा इसका एंट्रेंस रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है पूरा एंट्रेंस है और ये चलते हैं और ये एंटर करने के बाद ये यहाँ पे मैंने देखा अभी पार्क बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। आइए मैं आपको अंदर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लोर के ऑप्शन भी मिलते हैं। मैं आपको आज एक फ्लोर दिखाने वाला हूँ जो कि 242 गज पे बना हुआ है और ये पूरा पार्क है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और सामने आपको बैडमिंटन खेलने के लिए दी हुई है, ये झूले वगैरह बच्चे वगैरह यहाँ पे आप इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं। प्लस ये आप देख सकते हैं दूर तक बहुत ही लंबा पार्क बनाया हुआ है, आप अपने यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। घास में घूमना काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी होता है तो आपके लिए बेटर रहेगा। प्लस ये बास्केटबॉल की जगह दी हुई है, ये देखिए ये बास्केटबॉल की जगह दी हुई है तो ये पूरा ओवरऑल पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए दूर तक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोर जो कि आपका घर रहेगा यहाँ पे। तो गाइस ये अब हम एंट्रेंस जो मैंने आपको दिखाया था एंटर होने के बाद ये मैं अंदर आ चुका हूँ। तो ये जो रहेगी बिल्डिंग की लुक रहेगी बाहर से, ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। और इसमें पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेल आउट होते हैं। जो मैं अभी आपको इसका अपर ग्राउंड फ्लोर दिखाने वाला हूँ जो कि आपको सामने एसी लगे हुए दिख रहे होंगे, दो एसी का कंप्रेसर लिखा हुआ है, ये वाला फ्लोर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा एंट्रेंस दिख रहा है आपको, ये पूरा एंट्रेंस है और ये 242 गज में बना हुआ है और इसकी जो फ्रंट है वो 36 है और इसका डेप्थ है, ये इस तरीके से आपको पार्किंग मिलेगी, ये आप देख सकते हैं ये पूरी पार्किंग है। यहाँ पे आप अपना आराम से चार गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, ये पूरी पार्किंग आपको मिलेगी। प्लस ये बैक साइड में देखो वाटर एरिया मिल जाता है आपको। इस जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना उसके ऊपर वाले फ्लोर में अब आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो पीछे आपको ये घास लगी हुई दिख रही है ये पूरे चार पांच प्लॉट एक साथ मिलके बनाए हुए हैं। आपने बाहर से एंट्रेंस देखा होगा, सबके गेट एक जैसे थे, दो एक ही बिल्डर के फ्लैट हैं इसलिए वो एक जैसे एक साथ मिलके बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, मतलब अपर ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे हैं। और इसमें जो भी फ्लोर अवेलेबल होगा वो अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा क्या अवेलेबिलिटी है। ये पूरा है, आइए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि इसका फ्लोर कैसा बना हुआ है। आप एंटर होते ये स्टेज आ जाती है, ये स्टेज देखो काफ़ी खुली बनाई हुई है, काफ़ी चौड़ी बनाई हुई है और छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया हुआ है इन्होंने। प्लस इसके साथ साथ ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट इन्होंने यूज़ की हुई है, ये कंपनी मिनॉक्स कंपनी की है शायद इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बता रहा हूँ, ये मिनॉक्स कंपनी की है। बाकी लिफ्ट अच्छी है, देखने लायक लग रही है, ये स्टेप्स से ही चलते हैं। तो ऊपर चलते हैं मुझे ना स्टेयर्स इसकी बहुत अच्छी लगी, स्टेयर्स बहुत अच्छी बनाई हुई है, काफ़ी चौड़ी बनाई है। ऊपर जाने से पहले मैं आपको पूरा एक फ्लोर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाया हुआ है। ये एक्चुअली जो एक साइड है ना ये 242 गज में बनी हुई है और एक फ्लोर मतलब दो फ्लैट बनाए हुए हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, एक हाईवे सोसाइटी बनती है उस तरीके से इसे बनाया हुआ है। प्लस इसको बनाने का फायदा ये हो गया कि आपको ना स्टेयर्स दो मिल गई है, आप यहाँ से भी उतर सकते हैं और यहाँ से भी उतर सकते हैं और काफ़ी चौड़ी स्टेयर्स मिल जाती हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं जो स्टेयर्स आपको काफ़ी चौड़ी मिल गई है। प्लस ये आपका लिफ्ट वाला एरिया हो गया, ये यहाँ से आपको लिफ्ट ऊपर लेके आएगी और उस टाइम तो ये देखिए पूरी ऑपरेशनल है, ये आप नीचे जा सकते हैं ऊपर जा सकते हैं, ये ऊपर आ रही है ये देख सकते हैं आप। और ये पूरा आपका एंट्रेंस रहेगा, ये देखिए ऑपरेशनल है पूरी लिफ्ट, ये पूरा एंट्रेंस है इस तरीके से आपको मिलेगा और ये अप्रोक्स 4 फुट के आसपास है एंट्रेंस इसका। और जिसमें हम एंटर करते हैं, आइए और एंटर करते हैं, देखिए कितना अच्छा वॉलपेपर दिखता है आपके सामने, बुद्धा वॉलपेपर जो कि एक ड्राइंग रूम और लिविंग रूम की
प्लस देखिए पॉल सीलिंग देखिए, इसमें वुडन प्लस दिया हुआ है, ये आपको एज इट इज मिलेगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्सेप्ट ये आपको जो एसी लगा हुआ है ना, ये एसी लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको बस ये, और ये जो झटाई सी लाइन ये आपको लगी हुई नहीं मिलेगी। बाकी आपको जो भी मैं इस घर में दिखाऊंगा वो एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये हम एंटर हुए, एंटर करते हैं पूरा लिविंग एरिया है आपको, और ये देखिए टीवी पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा आराम से टीवी लग जाएगा, प्लस यहाँ पे आप फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं। तो इस ड्राइंग रूम के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो दिया हुआ है एकदम सेपरेट, और ये देखिए पार्टीशन देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी आप अपना, यहाँ पे आप ग्लास लगा सकते हो, यहाँ पे आप अपने फोटोज वगैरह या फ्लावर पॉट या आपको कोई अवार्ड मिल रखा होता है तो आप यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस ये देखिए इसमें फॉल सीलिंग, और ये एसी नहीं मिलेगा, देख लीजिए नॉट फॉर सेल है, ये एसी नहीं मिलेगा और ना ही ये लाइट मिलेगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ ये लाइट नहीं लगी मिलेगी। बाकी ये वॉलपेपर देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया इसको देखिए टच करके देखो इसको, मतलब अलग से ये वॉल लगाया हुआ है, ये मतलब वो नहीं है पेंटिंग नहीं है, ये वॉलपेपर आते हैं ना वो वाला लगाया हुआ है। और ये पूरा आपका देखिए विंडो देखिए कितनी बड़ी है, ये विंडो मिलेगी आपको एलईडी, ये इसका पूरा यहाँ से बालकनी है जो कि आपको मिलेगी, और ये देखिए काफी बड़ी बालकनी बनाई हुई है देखिए, और पीछे आप ये देखिए पूरी ये सेफ्टी पर्पज से आपको जाल लग के मिलेगा ताकि आपके घर में सिक्योरिटी पर्पज से सेफ आउट रहे, आपको कहीं कोई मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू होता है ना तो आपको ये पहले से ही लगा के दे रहे हैं। और ये देखिए आपको टैप मिलते हैं यहाँ पे, आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ी बालकनी लग रही है मेरे को ये, आराम से आप इसमें अपना इंजॉय कर सकते हैं, और बालकनी काफ़ी अच्छी है, बड़ी लग रही है मुझे। तो आइए मैं आपको अब उसका सामने बिल्कुल किचन दिखा देता हूँ। तो किचन ये जैसा आपको दिख रहा है, जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वुडन वाले ये दिया हुआ है, ये पूरा एंट्रेंस आपको ऐसे ही मिलेगा। किचन में घुसने के बाद ये आपको जैसा दिख रहा है ये एज इट इज ऐसा ही मिलेगा आपको, ये आप सिंक लगे हुए देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, ये भी आपको ऐसा ही मिलेगा, ये आपको खिड़की काफ़ी अच्छी बड़ी मिल जाती है क्योंकि किचन में स्मोक बहुत होता है, प्लस स्मोक का एक सॉल्यूशन भी है, ये आपको चिमनी लगी हुई मिलेगी यहाँ पे, ये वो मिलेगी। और ये आपको मैं ये कवर्स खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपको एज इट इज मिलेंगे, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे, और सॉफ्ट क्लोजर है एकदम, आराम से बंद हो रहे हैं, यहाँ पे आप अपना आरओ सेक्शन दे रहा हुआ है, या गीजर भी लगाना चाहते हैं तो गीजर भी लग सकता है। ये देखिए एकदम होल्ड हो रहे हैं आराम से, ये आराम से नीचे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे भी आपको मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे आप अपना लैडर वगैरह स्पून वगैरह फॉक वगैरह रख सकते हैं, स्पेस तो काफ़ी है, और सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलते हैं आपको, ये काफ़ी अच्छे आराम से बंद हो रहे हैं। ये पूरी ओवरऑल किचन थी, और ये चिमनी भी आपको लगी हुई मिलेगी, और ये फ्रिज का स्पेस आ जाता है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना आराम से फ्रिज आ जाएगा बहुत ही ईजीली। तो इसके बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ किचन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या एंटर करते हैं, पहले देखिए ऊपर से वॉल सीलिंग देखिए, और ये इसमें वॉल पेंटिंग देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़ेदार फ्रेंड, ये आपको एलईडी मिलेगी जैसे लगे हुए दिख रहे हैं, प्लस ये आपको यहाँ पे भी एक अच्छी बड़ी खिड़की मिल जाती है, और खिड़की के साथ इसमें टीवी पैनल भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर अपना टीवी लगा सकते हैं, और ये देखिए एंट्रेंस होने के बाद ये देखिए वॉल पेंटिंग यहाँ पे भी दी हुई है, ये लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस ये आपका एकदम मतलब एकदम सेपरेट एकदम जैसे ड्रेसिंग एरिया कहते हैं वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए काफ़ी अच्छा मिरर लगाया हुआ है गोल शेप में, प्लस ये वुडन वाला ये दिया हुआ है देखिए, तो मतलब कहने का मतलब है कि रूम साइज वगैरह रूम साइज ठीक है, अप्रोक्स का रूम साइज होगा 10 बाय 12 का होगा, बट हाँ
इनफ है, काफी अच्छा बनाया हुआ है। जैसे आपको फैन भी लगा हुआ मिलेगा, ऑयलिंग के फैन है। अगर अंदर चलते हैं, ये आपका वॉशरूम है, ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम, ये देखिए ये वॉशरूम आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा और ये सारी फिटिंग्स आपको लगे मिलेंगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये चीज़ मज़ा आ गया इसको देख के। और ये शावर एरिया आपका सेपरेट हो गया और जैगवार्स की फिटिंग है, ये देख सकते हैं आप, जैगवार्स की फिटिंग है सारी जगह, ये देखिए। ये एज इट इज़ आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये वॉशरूम ना कॉमन वॉशरूम है, जो कि इधर से भी एंट्रेंस होता है, जो मैंने आपको ये बुद्धा की फोटो दिखाई थी, ये ड्राइंग रूम से भी एंट्रेंस होता है, प्लस ये इस रूम से भी एंट्रेंस होता है। तो अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट रूम दिखा देता हूँ। सो ये मैंने आपको फर्स्ट रूम दिखा दिया है और ये कॉमन वॉशरूम था जो कि दोनों जगह से अटैच्ड है। और ये अब मैं आपको सेकेंड रूम दिखा देता हूँ। सेकेंड रूम में एंटर होते ही मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये वाला एरिया लगा, जो कि एक कॉर्नर में बनाया हुआ है वुडन लुक के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप अपना एक सोफ़ा लगा के आराम से बैठ के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। प्लस आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यहाँ पे आराम से व्यू के साथ आप काम कर सकते हैं। और जो ये आपको लैंप्स हैं, ये लैंप्स लगे हुए नहीं मिलेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको बाकी मैं दिखा रहा हूँ, वो एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलेंगे। और ये आपका वॉलपेपर है, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस वॉलपेपर को ये ऊपर तक लेके गए हैं, ये देख रहे हैं, ये वॉलपेपर पेंटिंग नहीं है, ये वॉलपेपर है, ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग नहीं है, वॉलपेपर लगाया हुआ है। और ये पूरा आपको ये कवर देखिए काफी अच्छी फिनिश के साथ मिल जाएगा, ये आपको सारे कवर्स मिलेंगे। और एज इट इज मिलेगा, ये टीवी पैनल मिल जाएगा आपको यहाँ से, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। प्लस ये देखिए ये वॉशरूम देखिए काफी अच्छा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टाइल का यूज किया हुआ है, ब्लैक नहीं कह सकते, ग्रे टाइप का कह सकते हैं, ब्लैक और ग्रे मिक्स है। ये पूरा एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। ये आप देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, ये एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। नीचे टाइल लिखा हुआ और जैगवार की फिटिंग है सारी, जब कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये देखिए जैगवार्स की फिटिंग है सारी, और ये टाइल का यूज किया हुआ है, और ये फैन भी आपको लगा हुआ मिलेगा। और इसी रूम से एक बालकनी निकलती है बाहर की तरफ, जो कि घर का फ्रंट साइड रहेगा, उस रूम से भी बालकनी थी, वो तो मैं आपको दिखाना रह गया, बट कॉमन वो बालकनी है तो ये सेम ही बालकनी है। इस रूम से भी निकलती है, जो कि मैंने आपको अभी किचन के जस्ट बगल वाला रूम दिखाया था इससे पहले, वो यही वाली बालकनी है। दोनों रूम से कॉमन बालकनी है ये आपको बालकनी मिलेगी आपको एज इट इज। ये देखिए जो बाहर जो लकड़ी का वर्क किया हुआ है ना, ये मिरर लगाया हुआ है, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर ही मैं आपको बोल रहा था कि आप अपना सोफा यहाँ पर लगा के और अपना खिड़की का व्यू ले सकते हैं आराम से। उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ थर्ड रूम, जो कि 3 BHK बना हुआ है ये, और ये 1472 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये थर्ड रूम है, इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, और किसी रूम में वुडन फ्लोरिंग नहीं थी, और ये वुडन फ्लोरिंग काफ़ी मैच कर रही है, ये देखिए इसके साथ मैच कर रही है कवर्स के साथ, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको AC का कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना AC लगा सकते हैं, प्लस इस रूम के साथ भी आपको वॉशरूम मिलता है, ये देखिए काफी अच्छा वॉशरूम बनाया हुआ है। ये वॉशरूम आपको एज इट इज मिलेगा, जैगवार की फिटिंग होके सारा कुछ। और ये राइट, ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, वॉशरूम में बड़ा अच्छी अच्छी टाइल्स का यूज किया हुआ है, एकदम देखने लायक। और ये देखिए ये लगाई हुई है ताकि आपका पानी बाहर ना आए, राइट में वॉशरूम। ये पूरा आपको एज इट इज मिलेगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी मतलब एकदम अच्छा लग रहा है, देखने लायक लग रहा है, ये आपको एज इट इज मिलेगा। और नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, तो एकदम
देखने लायक फ्लोर बनाया हुआ है जो कि ये पूरे कबर्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये स्लाइडर कबर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए। और काफ़ी सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलते हैं आपको, तो एज इट इज़ मिलेंगे जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये विंडो देखिए, काफ़ी बड़ी विंडो बनाई हुई है। और ये मैं आपको बालकनी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो कि मैंने आपको ड्राइंग रूम से दिखाई थी। सो गाइस, ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल घर दिखा दिया है जो कि 3 BHK 3 टॉयलेट बना हुआ है, प्लस इसमें ड्राइंग एरिया अलग है। और जो आपका ये एरिया मैंने आपको दिखाया था, ये मतलब आप इसको ड्राइंग एरिया बना रहे हैं, इसको डाइनिंग एरिया बना रहे हैं, ये आपकी कॉल है। यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं इसको, और इसको भी ड्राइंग एरिया बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट ये आपको ये थोड़ा सा सेपरेट जगह दी हुई है। तो अब मैं इसका प्राइस बता देता हूँ आपको, जो इसका प्राइस है वो है 85 लाख रुपये, 85 लाख रुपीज़, जो कि 3 BHK 3 टॉयलेट है। और अगर आपने कहीं पर भी बिल्डर फ्लोर खरीदा होगा, बिल्डर फ्लोर आपको विदाउट केटेड में मिलता है। ये आपको केटेड टाउनशिप में मिलता है जो कि TDS का नाम है सोसाइटी का। और ये अंदर प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन किया हुआ है बिल्डर ने, जो कि कई बिल्डर्स होते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, तो ऐसे ही एक बिल्डर है, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन करी हुई। इसका साइज है वो 1421 स्क्वायर फीट है जो कि इस फ्लैट का साइज़ रहेगा। और 3 BHK 3 टॉयलेट बनाया हुआ है। और जो इसका फ्रंट है वो है 36 फीट, और फ्रंट जिसको बोलते हैं, और जो इसकी डेप्थ है मतलब मींस गहराई में, वो है 70 फीट। और आसपास की लोकेलिटी की बात करूं तो यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस गेटेड टाउनशिप में फ्लोर्स बनाए हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी प्लस उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आपको जो है अपर ग्राउंड ही जो रेट है वो 85 लाख रुपये है। मे बी इसमें आई थिंक थर्ड फ्लोर ही बचा हुआ है। उसके साथ साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग, मैंने नोटिस किया है, देखो वीडियोज़ आप लोग देखते हो, नो डाउट देखते हो और उसमें पता चलता है, बट आधे से ज़्यादा लोग जो देखते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर यार नई नई वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है। तो कीप सपोर्ट, कीप लविंग, आप मुझे अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और ये सेक्टर 88 जो लोकेशन का एडवांटेज, और एक और बता देता हूँ, यहाँ पे माता अमृता हॉस्पिटल आ रहा है जो कि यहाँ से अप्रोक्स 100 से 150 मीटर दूर है। और जो माता अमृता हॉस्पिटल है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, आपको पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप जानते भी होंगे माता अमृता हॉस्पिटल, जिसने नाम सुना होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अगर कॉल करते हो ना तो कॉल करने से पहले पूरी वीडियो देखा करो। आप कॉल करते हो मुझे और बोलते हो कि सर ये रूम साइजेस क्या होंगे और ये क्या होंगे, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, देखो रूम साइजेस मैंने ऑब्वियसली नहीं बताया आपको, तो वो आपको मैं लेआउट शेयर कर दूंगा। बट लेने से, कॉल करने से पहले आप मुझे ज़रूर, मेरा बस इतना सा फेवर चाहता हूँ मैं, आप कॉल करने से पहले वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, मैंने आपको सब कुछ दिखाया होता है पूरी वीडियो में, फिर आप मुझे कॉल कीजिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं। प्लीज़ कीप सपोर्ट, कीप लविंग, लाइक जरूर करना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।